हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फिट फूड मंत्रा. नाम डाइटिशियन शिखा. आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक फुल डे समर डाइट प्लान. ये आपको वेट लॉस के साथ आपके बॉडी को हाइड्रेट रखने में भी हेल्प करेगा. अगर आप इस डाइट प्लान को प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो मेरा वादा है आपसे कि आपका बहुत ही सुपर ट्रांसफॉर्मेशन होगा. आप बहुत ही अच्छा वेट लॉस कर सकेंगे इस डाइट प्लान को फॉलो करके. लेकिन इस डाइट प्लान को फॉलो करने के साथ आपको अपने मील का टाइम टेबल भी ध्यान में रखना है. और जो ब्रेकफास्ट का टाइम होता है वो होता है 8 to 9 AM, यानी आपको सुबह 8 से लेकर 9 बजे तक अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर लेना है. और जो लंच का टाइम होता है वो होता है 12 to 1 PM. इसके बीच में आप अपने लंच को ले लें. और जो इवनिंग स्नैक्स का टाइम होता है वो है 3 to 4 PM. एंड डिनर का जो टाइम है वो है 8 to 9 PM. आप 8 से 9 बजे से पहले भी डिनर कर सकते हैं अगर आप करना चाहे तो, क्योंकि आप जितनी जल्दी जल्दी डिनर करेंगे आपकी बॉडी को उस फूड को डाइजेस्ट करने का उतना ज़्यादा टाइम मिलेगा. तो जितना अच्छा डाइजेशन होगा उतना अच्छा आपका वेट लॉस होगा. क्योंकि आपने देखा होगा कि जब आप वेट लॉस जर्नी पे होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ब्लॉटिंग, कॉन्स्टिपेशन, डाइजेशन का प्रॉब्लम, एसिडिटी शुरू हो जाता है. और ऐसे में आपको कुछ चीज़ें हैं जो फॉलो करनी होती हैं. आपको डेली 2.5 to 3 liter वाटर लेना चाहिए अगर आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी या डाइजेशन का प्रॉब्लम हो रहा है तो. ये आपके डाइजेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा और आपको एक सुपर वेट लॉस देगा. साथ ही साथ आप इस डाइट प्लान को फॉलो करने के साथ अपने मील्स में 1 bowl सैलेड भी इंक्लूड कर सकते हैं ताकि आपके डाइट का फाइबर इंटेक इम्प्रूव हो और वो आपके कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर सके. और इसके साथ साथ प्रोबायोटिक आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि कर्ड है, योगर्ट है या फिर याकुल्ट है. आप ये सारी चीज़ें ऐड करके अपने डाइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर सकते हैं, ब्लॉटिंग और एसिडिटी जैसे प्रॉब्लम्स को भी ठीक करके अपना एक सुपर ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं. तो चलिए अब इस समर डाइट प्लान को शुरू करते हैं. और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे डाइट प्लान का वो होता है हमारा अर्ली मॉर्निंग का ड्रिंक. क्योंकि जब हम सो के उठते हैं तो बहुत ही लेथार्जिक फील करते हैं, उस वक्त हमें एक बूस्ट का ज़रूरत होता है. ऐसे में ये ड्रिंक आपकी बॉडी को एक बूस्ट प्रोवाइड करेगा, इंस्टेंट स्टार्ट प्रोवाइड करेगा. और इस ड्रिंक का नाम है चिया मिंट ड्रिंक. और आपकी बॉडी को हाइड्रेट भी करेगा. कैसे बनाना है ये चिया मिंट ड्रिंक ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ मेरे किचन चलना होगा. चिया मिंट डिटॉक्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ मिंट लीव्स लिया है 10 से 15, और अब मैं इसका पेस्ट बना लूँगी. मैं यहाँ पेस्ट इसलिए बना रही हूँ ताकि इसका जूस रिमूव हो जाए और जब हम इसे वाटर में ऐड करें तो इसका जूस प्रॉपरली मिक्स हो जाए वाटर के साथ, और जब हम इसे पिए तो इसका हमें ज़्यादा बेनिफिट मिल सके. अब मैं भिगोए हुए चिया सीड्स 1 चम्मच यहाँ ऐड करूँगी. मैंने रात में ही इसे भिगो लिया था. आप भी रात चाहे रात में भिगो लें या फिर 1 से 2 घंटे पहले इसे भिगो लें. और अब यहाँ मैं ऐड करूँगी मिंट पेस्ट एंड बॉइल्ड वाटर. चिया ड्रिंक में आप लेमन ज़रूर ऐड करें, क्योंकि लेमन में बहुत अधिक मात्रा में विटामिन सी होता है जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है. बस हमारा रेडी है ये डिटॉक्स ड्रिंक. ये अर्ली मॉर्निंग का बेस्ट ड्रिंक है. आप इसे ज़रूर ट्राई करें क्योंकि ये आपको हाइड्रेट रखता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये आपके बॉडी टेम्परेचर को कम करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है. तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और अपने अर्ली मॉर्निंग डिटॉक्स वाटर से अपनी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करें. मॉर्निंग डिटॉक्स लेने के बाद आप 25 टू 30 मिनट्स के लिए किसी भी तरह का कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं या फिर आप वॉक पे जा सकते हैं. और वॉक से आने के बाद आपको लेना है अपना ब्रेकफास्ट. आपने ये सुना
होगा कि लोग कहते हैं कि अपना ब्रेकफास्ट कभी स्किप नहीं करना चाहिए। क्या आपने कभी कोशिश की जानने की कि क्यों नहीं करना चाहिए? वेल, ये मैं आपको आज बताऊंगी कि क्यों नहीं करना चाहिए ताकि आप कल से अपने ब्रेकफास्ट को स्किप ना करें। जब हम सोकर उठते हैं उस वक्त हमारे बॉडी में ब्लड शुगर लेवल डाउन चला जाता है और ऐसे में हमारी बॉडी को कुछ न्यूट्रिएंट डेंस फूड की आवश्यकता होती है जो कि हमारी बॉडी को किक स्टार्ट प्रोवाइड कर सके। और ऐसे में जब आप सोकर उठते हैं उसके 2 से 3 घंटे के अंदर कुछ ना कुछ हेल्दी अपनी बॉडी को प्रोवाइड करें ताकि वो आपकी बॉडी को एनर्जी दे और आपकी बॉडी को किक स्टार्ट मिल सके। तो आपको आज पता चल गया कि क्यों नहीं हमें अपने ब्रेकफास्ट को स्किप करना चाहिए। तो चलिए, क्या मैं दूंगी आपको इस वेट लॉस ब्रेकफास्ट में, ये मैं आपको अपने किचन चल के बताऊंगी। वाटरमेलन शेक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने वाटरमेलन लिया है 1 बॉल, जो कि बड़ी कटोरी से मैंने लिया है। आप देख सकते हैं इसमें कहीं कहीं आपको सीड्स भी दिखेगा। वाटरमेलन सीड्स एडिबल है, आप उसे खा सकते हैं अगर थोड़ा बहुत आपके शेक में चला भी गया तो। मैंने फ्रेश मिंट लिया है, इससे मिंटी फ्लेवर आ जाता है हमारे शेक में। थोड़ा सा मैंने चिया सीड्स को भिगोया था पानी में, 1 स्पून चिया सीड्स को भिगोया था और उसे मैंने लिया है। इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। मैंने लेमन जूस भी लिया है 1 स्पून के आसपास, और थोड़ा सा मैंने ब्लैक सॉल्ट लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ले सकते हैं। 1 स्पून मैंने हनी लिया है, ये ऑर्गेनिक हनी है। आप चाहे तो हनी ऐड करें, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा वाटर यूज़ किया है, एकदम थोड़ा सा। वैसे तो 92% वाटरमेलन में ऑलरेडी वाटर होता है। अब इसे हम ब्लेंड कर लेंगे। बस शेक हमारा रेडी है, अब इसे हम अपने ग्लास में निकालेंगे और इसे पीकर एंजॉय करेंगे। अगर आप वाटरमेलन स्मूदी नहीं लेना चाहते तो उसकी जगह आप ले सकते हैं पपाया एप्पल स्मूदी या फिर ओट्स स्मूदी। इन दोनों स्मूदी की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी और उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। वहाँ से जाके आप उस वीडियो को देख के अपने ब्रेकफास्ट को बना सकते हैं। इसके बाद आता है मिड मॉर्निंग स्नैक्स का टाइम और इसमें मैं आपको दूंगी लौकी मिंट जूस। लौकी मिंट जूस आपकी बॉडी को इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से प्रिवेंट करेगा, साथ ही साथ आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखेगा और आपकी बॉडी टेम्परेचर को कम करने में भी हेल्प करेगा। कैसे बनाना है लौकी मिंट जूस ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उसके लिए फिर से आपको मेरे साथ मेरे किचन चलना होगा। लौकी जूस बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लौकी लिया है, थोड़ा ब्लैक सॉल्ट, जीरा पाउडर एंड ब्लैक पेपर लिया है, 1 लेमन लिया है एंड थोड़े मिंट लीव्स लिए हैं। अब हाफ लौकी को कट कर लेंगे और इसके स्किन को रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद इसे अच्छी तरह से वॉश करके छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। लौकी जूस ना ही सिर्फ वेट लॉस में बल्कि ये हमारे ब्लड प्रेशर लेवल को भी कम करता है, हमारे ब्लड शुगर लेवल को कम करता है, जिससे हमारा एलिवेटेड ब्लड शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर लेवल कंट्रोल में रहता है। ये हमारे बॉडी में डिटॉक्सिफाइंग करता है, यानी हमारे इम्प्यूरिटीज़ को रिमूव करने में हेल्प करता है। अब मैं एक यहाँ ब्लेंडर जार ली हूँ, इसमें मैं सारे इन्ग्रीडियंट्स एक एक करके ऐड करूँगी और आधा ग्लास यहाँ पर वाटर भी ऐड करूँगी। सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद लिड को बंद कर देंगे और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये प्रॉपरली ग्राइंड हो चुका है। आप इसे ऐसे भी ले सकते हैं क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में फाइबर होता है और वो आपके कॉन्स्टिपेशन डाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप बिगनर हैं तो आप इसे छान के भी ले सकते हैं।
जस्ट हमारा लौकी जूस बनके रेडी है। आप इसे अपने घर में बनाइए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी है आपके लिए। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, आप इसे कभी भी दिन भर में ले सकते हैं। मिड मॉर्निंग स्नैक्स के बाद आता है लंच का टाइम, और लंच में मैं आपको दूंगी बेसन एंड एग चीला। अगर आप इस चीला को अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो इससे आपको मिलता है 237 किलो कैलोरी एंड 11 ग्राम प्रोटीन। तो है ना ये कितना ज़्यादा हेल्दी आपके लिए। इसमें ना ही सिर्फ प्रोटीन बल्कि बहुत अधिक मात्रा में हेल्दी फैट्स, फाइबर, विटामिंस और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप एग को स्किप कर सकते हैं और आप नॉर्मल बेसन चीला भी ले सकते हैं। कैसे बनाना है ये चीला ये मैं आपको बताऊंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। एक चीला बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ हाफ कटोरी बेसन लिया है, और अब मैं इसमें ऐड करूंगी चॉप्ड अनियन, टोमेटो एंड ग्रीन चिली। आप चाहे तो यहाँ इसमें कुछ वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे बीन्स ऐड कर सकते हैं या ग्रीन पी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा मैंने मसाला लिया है और थोड़ा टर्मरिक पाउडर और सॉल्ट ऐड किया है। अब एक एग मैं यहाँ ऐड करूँगी। एग में बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है, एग आप ज़रूर ऐड करें, लेकिन अगर आपको PCOD PCOS का प्रॉब्लम है और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप यहाँ पर एग स्किप कर सकते हैं। अब इसमें धीरे धीरे करके हम पानी ऐड करेंगे और इसका हम बैटर बना लेंगे। देख सकते हैं हमारा बैटर बन चुका है, जो नॉर्मल कंसिस्टेंसी होना चाहिए वैसा ही है। अब यहाँ पर हम ग्रीस कर लेंगे देसी घी से। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम चीले के बैटर से चीला बनाएंगे। यहाँ मैंने छोटे छोटे साइज़ का दो बनाया है। अगर आप बड़े साइज़ का बनाते हैं तो आप एक बड़े साइज़ का बना के अपने लंच, डिनर या फिर अपने ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। अब इसे हम पलट देंगे और दोनों ही साइड हमें प्रॉपरली पकाना है। आप देख सकते हैं जो फर्स्ट हमारा साइड है ये पक चुका है, और फिर से हम लिड को बंद कर देंगे और बस 2 मिनट में अब ये चीला रेडी हो जाएगा। बस हमारा चीला रेडी है और अब हम इसे सर्व करेंगे। इसे आप हरी चटनी और सैलेड के साथ खाइए, क्योंकि सैलेड में बहुत अधिक मात्रा में फाइबर होता है। इसे आप अपने किसी भी मील में लीजिए और इन्जॉय कीजिए। लंच के बाद आता है इवनिंग स्नैक्स का टाइम, और इवनिंग स्नैक्स में मैं आपको दूंगी 1 ग्लास आम का पन्ना, और इसके साथ आप ले सकते हैं रोस्टेड चना। रोस्टेड चना में बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन प्रेजेंट होता है और ये हमारे मसल्स के लिए और हमारे टिश्यू के लिए बहुत अच्छा होता है। और आम का पन्ना इस गर्मी आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखेगा, आपको लू से प्रोटेक्ट करेगा, ब्लड प्योरिफिकेशन में भी हेल्प करता है और आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करेगा। तो आप इसे अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। कैसे बनाना है ये आम का पन्ना ये मैं आपको बनाऊंगी, और उसके लिए आपको मेरे साथ मेरे किचन चलना होगा। आम का पन्ना बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 कच्चे आम लिए हैं, और अब हम इसके छिलके को रिमूव कर लेंगे और इसे हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। अगर हम बात करें इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू की, तो इससे आपको मिलता है 110 किलो कैलोरी। अगर प्रोटीन की बात करें तो 0.5 ग्राम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट 25 ग्राम एंड फाइबर 1.5 ग्राम। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, और हेल्दी से भी इम्पॉर्टेंट है कि ये आपकी बॉडी को लू से प्रोटेक्ट करेगा, आपके डाइजेशन को ठीक करेगा और आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखेगा। अब इसे मैं बॉईल करूंगी, और बॉईल करने के लिए मैं यहाँ 1 ग्लास पानी ऐड करूंगी और 30 ग्राम जैगरी ऐड करूंगी।
बॉईल हो चुका है और अब हम इसे छान लेंगे और जो हमारा सिरप है उसे भी हम ठंडा कर लेंगे और पल्प को ठंडा होने के बाद ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के लिए इस पल्प के साथ मैं यहाँ ऐड करूँगी मिंट लीव्स। मिंट लीव्स हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, खास करके समर के लिए बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब होता है। इसके साथ 1 स्पून रोस्टेड जीरा पाउडर यहाँ ऐड करूँगी, थोड़ा ब्लैक सॉल्ट एंड पिंक सॉल्ट ऐड करूँगी एंड थोड़ा सा मैं यहाँ ब्लैक पेपर पाउडर भी ऐड करूँगी। बस अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। हमारा मैंगो प्यूरी रेडी है। अगर आप चाहें तो इसे चटनी के फॉर्म में भी ले सकते हैं अपने चपाती, रोटी या राइस के साथ। अब जो हमारा ये सिरप है ये भी ठंडा हो चुका है। मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा शुगर और मिलाना चाहिए, यानी जैगरी मैं यहाँ मिक्स कर रही हूँ स्वीटनेस के लिए। मैंने 2 चम्मच जैगरी मिक्स किया है और 1 ग्लास पानी ऐड करके इसे प्रॉपरली हम मिक्स कर लेंगे। और अब शुरू करते हैं आम का पन्ना बनाना। थोड़ा डेकोरेशन के लिए मैंने शुगर और सॉल्ट का ये कॉम्बिनेशन लिया है और ग्लास के जो ऊपर का लेयर होता है वहाँ पे मैं हनी स्प्रेड कर दूँगी और ग्लास को पलट कर उस लेयर पे मैं ये शुगर और सॉल्ट का जो मिक्सचर है वो लगाऊँगी ताकि ये देखने में भी अट्रैक्टिव हो जाए। फाइनल प्रिपरेशन के लिए मैं यहाँ 3 चम्मच प्यूरी ऐड करूँगी जो हमारा मैंगो प्यूरी है और यहाँ मैं चिया सीड्स ऐड करूँगी। चिया सीड्स में प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में होता है और ये हमारे डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसके बाद जो हमारा सिरप है वो हम ऐड करेंगे और बस हमारा रेडी है आम का पन्ना। इसे मिक्स करें और अपने डाइट में इंक्लूड करें। खास करके समर के लिए ये बेस्ट है, ये आपको लू से प्रोटेक्ट करेगा, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा। इवनिंग स्नैक्स के बाद आता है डिनर का टाइम और डिनर में मैं आपको दूंगी प्रोटीन सैलेड। इसमें ना ही सिर्फ प्रोटीन बल्कि ढेर सारे विटामिन्स और मिनरल्स भी प्रेजेंट हैं। साथ ही साथ इसमें कार्ब्स बहुत कम मात्रा में होने की वजह से ये हमारे वेट लॉस के लिए बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब रेसिपी है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, ये आपके वेट लॉस में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। प्रोटीन सैलेड बनाने के लिए मैंने ये सारे इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, आप वीडियो को रोककर इसे देख सकते हैं। अब एक बड़ी कटोरी में सारे इंग्रेडिएंट्स एक एक करके हम ऐड करेंगे। अगर आप या आपके फैमिली फ्रेंड्स में कोई जिम जाते हैं, कुछ योगा फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करते हैं या स्पोर्ट्स में हैं तो उन्हें इस सैलेड की रेसिपी को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस प्रोटीन सैलेड को अपने मील में इंक्लूड कर सके, क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन है और जब हम किसी भी तरह का कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमें हमारी बॉडी को बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन चाहिए होता है। हमारे मसल और टिश्यू को बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन चाहिए, तो इस सैलेड को इंक्लूड करके अपने डाइट में प्रोटीन के रिक्वायरमेंट को आप फुलफिल कर सकते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हमारा सैलेड रेडी हो चुका है। अब हम इसे सर्व करेंगे और इंजॉय करेंगे। आप भी इसे अपने घर में बनाइए, आप इसे पोस्ट वर्कआउट मील ले सकते हैं। ये बेस्ट ऑप्शन है प्रोटीन का, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आपको ये रेसिपी। अगर आप अपने डिनर में
प्रोटीन सैलेड नहीं लेना चाहते तो उसकी जगह आप ले सकते हैं मसाला ओट्स या फिर ओट्स खिचड़ी। ये दोनों ही रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी और इसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। इसके बाद आता है बेड टाइम। बेड टाइम ड्रिंक का टाइम और सबसे इम्पॉर्टेंट ये इसलिए होता है क्योंकि एक अच्छी नींद के लिए एक अच्छा ड्रिंक भी ज़रूरी होता है और इसमें मैं आपको दूंगी धनिया डिटॉक्स वाटर यानी कोरिएंडर सीड्स डिटॉक्स वाटर। कैसे बनाना है ये ड्रिंक ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ एक बार फिर से मेरे किचन चलना होगा। धनिया डिटॉक्स वाटर बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 टेबलस्पून कोरिएंडर सीड्स लिया है यानी धनिया लिया है। इसे हम वॉश कर लेंगे और उसके बाद आधा ग्लास पानी ऐड करके इसे रात भर के लिए छोड़ देंगे। अगर आप रात में भिगोना भूल गए हैं तो आप डायरेक्टली सुबह इसे बॉईल करके ले सकते हैं। आप देख सकते हैं भिगोने की वजह से पानी का कलर चेंज हो चुका है। अब इसे हम बस 2 मिनट बॉईल करेंगे और मैंने आधा ग्लास ही पानी ऐड किया था तो यहाँ पर मैं आधा ग्लास और पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैं इस डिटॉक्स वाटर को 1 ग्लास अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक कंज्यूम करती हूँ। तो अब बस इसे 2 मिनट बॉईल करना है और रेडी हो जाएगा हमारा ये धनिया डिटॉक्स वाटर। आप देख सकते हैं पानी ऑलरेडी बॉईल हो चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे हम छान के पियेंगे। अगर आप चाहे तो धनिया को चबा कर भी खा सकते हैं लेकिन आपको शायद इसका स्वाद पसंद ना आए। मैंने यहाँ आधा चम्मच हनी ऐड किया है लेकिन अगर आप डायबिटिक हैं तो आप हनी को अवॉइड कर सकते हैं। थोड़ा लेमन ऐड किया है, आप लेमन जूस भी यहाँ ऐड कर सकते हैं। बेड टाइम ड्रिंक लेने के बाद आपको सीधे सो जाना है और आपको एटलीस्ट 7 to 8 hours सोना जरूरी है एक बेटर वेट लॉस के लिए और आपके हार्मोनल बैलेंस के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप कितने घंटे सोते हैं। तो एक डीप क्वालिटी स्लीप आपको लेना है। अगर आप लाइट ऑफ करके सोना पसंद करते हैं तो आप ऑफ करके सोए लेकिन एक डीप क्वालिटी स्लीप लें। इससे इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ मैं यहाँ ऐड करूँगी, आप अपने पास से फ़ोन को दूर रख के सोए ताकि आपको किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो। अगर आप मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं या फिर अगर आप अपना ट्रांसफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे ही कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आप इस प्लान को अच्छे से फॉलो करें और अगर आप इसका कुछ अल्टरनेट ढूंढ रहे हैं तो वो भी आपको मेरे चैनल पे ही मिल जाएगा। आप 15 days and 15 days करके आप मेरे बाकी डाइट प्लान्स को भी फॉलो कर सकते हैं और अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस डाइट प्लान को फॉलो करके अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर सके। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। बाय बाय।